दोस्तों, आग लगा देने वाला बिजनेस कौन सा है? किस बिजनेस को आग लगाने वाला बिजनेस, यानी कि इतना मतलब ज्यादा प्रचलित बिजनेस जिसकी कमाई अंधाधुन हो और खास कर से उसमें लाखों रुपए तक महीने का इनकम हो सके। दोस्तों, ऐसे बिजनेस कौन कौन से हैं जो कि एक व्यक्ति शुरू करके उससे कमाई लाखों में कर सकता है? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है, ये एक तरीके से उन लोगों के लिए है जो इस प्रकार के बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो एक तरीके से मार्केट में आग लगा दे। बिजनेस आग लगाने मतलब सच में आग लगाना नहीं, मार्केट में मतलब एक तरीके से टहलका मचा दे, हाहाकार हो जाएगी, यार ये बिजनेस काफी ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, ये कौन सा बिजनेस है और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है, और एक नॉर्मल व्यक्ति इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करके लाखों रुपए महीने कमाई कर सकता है, तो इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा आप धैर्य से देखिएगा और पूरा समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट में ये बोलते हैं कि यार इतना समय आप लगाते हो, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आपको नहीं आता कि क्या करते हैं कि 1-1.5 मिनट पहले देखते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं, बीच की जो एक तरीके से कंसिस्टेंसी है दोस्तों, आप उसको छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ आप समझते नहीं हैं, इसलिए आपको पूरी बात समझ में नहीं आती और आपको आप बोल देते हैं कि ये आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है, आज का जो ये वीडियो है, यह एक तरीके से मार्केट में टहलका मचा देने वाला बिजनेस में से आज मैं एक ऐसा बिजनेस लेकर के हाजिर हूं जो कि आप उस बिजनेस को शुरू करके अच्छी खासी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके के कुछ खासियत को समझिए कि दोस्तों आग लगाने वाला बिजनेस के बारे की मतलब उस प्रकार के बिजनेस की विशेषता क्या होती है जो बिजनेस एक तरीके से मार्केट में टहलका मचा दे, आग लगा दे लोगों के अंदर। तो दोस्तों, वह कौन सा बिजनेस होता है? दोस्तों, इसके अंतर्गत अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस आते हैं, वह बिजनेस जो कि एक तरीके से जिसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में हो और उसका कॉम्पिटिशन बिल्कुल ना हो, ना के बराबर हो, और एक तरीके से चाहे वह हुनर से जुड़ा हुआ हो या किसी कारीगरी से जुड़ा हुआ हो या पूंजी के मामले में भी कुछ अलग हो। दोस्तों, यही एक तरीके से आग लगा देने वाला बिजनेस में से कोई किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति बिजनेस करता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा बिजनेस है, किस तरीके से, मैं पूरी फार्मूला के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आप धैर्य बनाकर हमारे बातों को ध्यान से समझिए। दोस्तों, आग लगा देने वाला जो मार्केट में एक तरीके से टहलका मचाने वाला जो बिजनेस होता है, वह एक तरीके से इतना आसान नहीं होता है उसको शुरू करना। चाहे वह कला से जुड़ा हुआ मतलब कुछ ऐसा चीज आप बना करके बेच रहे हैं जो कि एक तरीके से लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और बाकी लोगों को कुछ उसकी जानकारी नहीं है, यह भी दोस्तों एक तरीके से मैं आग लगा देने वाले बिजनेस की यानी कि टहलका मचा देने वाले बिजनेस के बारे की विशेषता बता रहा हूं। दोस्तों, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कला की एक तरीके से कुछ अलग ही हो और उसका डिमांड यानी लोगों के पास उसको खरीदने के लिए या उसको पहनने से जुड़ा है तो उसको पहनने के लिए किसी न किसी तरीके से ग्राहकों की ज्यादा भीड़ हो, या खाने का ही सामान हो, कुछ ऐसा बनाकर बेचने का तरीका हो जिससे दोस्तों काफी ज्यादा लोग उसकी डिमांड के अंदर यानी कि काफी ज्यादा लोगों को पसंद हो, दोस्तों वह चीज वो आपसे क्या करेंगे, ज्यादातर खरीदेंगे। दोस्तों, यही सब चीजें जो है एक तरीके से आपको अलग बनाएगी और आपका बिजनेस एक तरीके से मार्केट में टहलका मचाएगा। तो दोस्तों, यह कोई भी बिजनेस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बिजनेस है, इसमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस होता हो सकता है अगर आपके हुनर से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका हुनर अगर कपड़े की सिलाई करने में है, कुछ अजीब प्रकार का अगर आप कपड़े की सिलाई करते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि अगर लोगों को पसंद है, आप जिस एरिया में उसका दुकान किए हैं वो एक तरीके से आप टहलका मचा सकते हैं, या कुछ ऐसा चीज बना करके आप बेच रहे हैं, खाने का सामान है, कुछ ऐसा बना करके बेच रहे हैं जिसका स्वाद बिल्कुल बेस्ट है और वो मार्केट में नया है, तो दोस्तों आप अकेले उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बाकी लोग तो आपके बाद ही उनको पता होगा कि इसको कैसे किया जा सकता है, लेकिन आप तो उसका एक तरीके से जन्मदाता होंगे उस बिजनेस का, उस तरीके का सामान बनाने का। तो दोस्तों, यह भी एक तरीके से बनाने का ही व्यापार है। और दोस्तों, अगर और भी अगर समझें इस व्यापार को और थोड़ा गहराई से समझें जो कि मार्केट में टहलका मचा देता है, अगर पूंजी के मामले में देखा जाए तो बहुत ऐसे बिजनेस हैं जिसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगती है जो कि एक तरीके से
सभी लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं होती है कि एक तरीके से मार्केट में कंपटीशन कर सके। तो दोस्तों यह भी एक तरीके से टहलका मचाने वाला बिजनेस होता है जिसमें पूंजी ज्यादा लगती है और उसका डिमांड भी ज्यादा होता है, लेकिन उस बिजनेस को सभी लोग नहीं कर सकते, यानी कि उसमें नो कंपटीशन होता है या बहुत कम से कम कंपटीशन होता है। दोस्तों यह भी उस बिजनेस के अंतर्गत आता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि गिट्टी छड़ का बिजनेस है या सीमेंट वगैरह, ये जितने भी मतलब एक तरीके से बिजनेस है ये सभी लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस भी मार्केट में टहलका मचा देता है। आपने देखा होगा कि अगर छोटे मोटे गांव में या मार्केट में एक से दो ही दुकानें होती है, यानी कि कॉम्पिटिशन नो होता है, बिल्कुल नो। तो दोस्तों यह भी एक तरीके से टहलका मचाने वाला बिजनेस है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही मैं अब आपको जो अगली बात बताने जा रहा हूं उस पर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये तो हो गया आपका पूंजी के मामले में, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत से तरीके हैं जो कि मार्केट में टहलका मचाने वाले बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा चीज जो मशीन के जरिए, ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे मशीन के जरिए कुछ ऐसा चीज बनाकर तैयार कर देना जिसमें एक तरीके से उस मशीन को खरीदने के लिए किसी को उतना जानकारी नहीं हो कि वो मिलता कहाँ है, या कुछ ऐसा चीज जो कि आप उस मशीन से तैयार कर रहे हैं वो टेक्निक सिर्फ आपके ही पास है और उसकी मार्केट में डिमांड है, लोगों को पसंद आ रहा है वो चीज, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे एक तरीके से किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों इसमें मैं जो आपको बता रहा हूं ये समझने वाली बात है कि मैं क्या क्या चीज आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये जो मैं तीसरा आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, यह भी तरीका जो है एक तरीके से अगर आप देखेंगे, कोई ऐसा मान लीजिए गांव में अगर आप रहते हैं या शहर में रहते हैं, कोई ऐसा मशीन आ जाता है ना कि कुछ काम को बहुत आसानी से कर देता है। अगर खेती से जुड़े हुए हैं तो कुछ ऐसा मशीन आ जाएगा जो कि अभी लोगों के पास उतना नहीं होगा और उसका कीमत भी ज्यादा होगा और लोगों को उतना पता नहीं होगा कि ये मशीन कहां से आता है। तो आप कहीं मान लीजिए आपको ज्यादा नॉलेज है, कहीं बाहर से मशीन मंगाते हैं, दूसरे राज्यों से, तो दोस्तों गांव में अगर कृषि से जुड़े हुए हैं तो उतने लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि हर एरिया में हर जगह सभी लोगों को सब चीज पता नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक मशीन लिए हैं और उस मशीन का इस्तेमाल लोगों को किसी समस्या के सुलझाने में अगर ज्यादातर हो रहा है तो दोस्तों आपके मशीन का एक तरीके से जो भी मशीन है तो आपके मशीन का डिमांड बढ़ जाएगा और आपके ग्राहक और ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि यह भी एक तरीके से आप देखेंगे तो यह भी एक तरीका है पैसे कमाने का। दोस्तों यह सारी चीजें जो है ये मार्केट में या जिस भी लाइन में आप बिजनेस किए हैं उसमें टहलका मचाने वाला, आग लगा देने वाला बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से अनेकों तौर तरीकों का बिजनेस है, अनेकों तौर तरीकों का बिजनेस है जो कि व्यक्ति चाहे तो उसको शोध करके, दिमाग लगा करके उस बिजनेस को शुरू कर सकता है। और अच्छी खासी नहीं दोस्तों, अगर आपके पास अगर ग्राहकों की भीड़ लग रही है, आपके अलावा और कोई उस मटेरियल को, उस चीज को, उस प्रोडक्ट को बेचने वाला नहीं है तो दोस्तों मार्केट में आप टहलका अकेले मचा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह इसमें आप लाखों रुपए तक महीने में कमाई जरूर कर सकते हैं अगर आप मार्केट में अकेले हैं तो। नो कॉम्पिटिशन, नो उसमें कोई भी मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा अलग है जो कि सभी लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों आप निश्चित ही दोस्तों आप अकेले मार्केट के लिए काफी है, आप टहलका मचा सकते हैं, आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से बंपर कमाई के साथ लाखों रुपए महीने की कमाई कर सकते हैं। अगर आप गांव में भी रहते हैं तो भी किसी न किसी तरीके का ऐसा टेक्निक आप अपना सकते हैं जो कि लोगों की एक समस्या है और उस समस्या को अगर आप सुलझा देते हैं तो दोस्तों जो कि एक तरीके से आपके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, खेती का काम किया जाता है तो खेती में आपने देखा होगा कि जो खेत में घास होता है, मतलब जो फसल के बाद घास जम जाता है, उसको निकालने के लिए ना सभी जगह अगर कहा जाए तो कोई मशीन नहीं है, उसको हाथ से ही मजदूरों को लगाया जाता है। और गांव में तो आपको पता ही है कि अभी के समय में मजदूर भी नहीं मिलते हैं उस घास को निकालने के लिए, फसल से अलग करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए अनेकों प्रकार की जो है मशीन, लोग तरह तरह की टेक्निक के साथ, आपको पता ही अपना भारत इंडिया है, ये जुगाड़ है, तो अलग अलग प्रकार के लोग जुगाड़ का इस्तेमाल करके उसको तैयार करते हैं। तो उससे दोस्तों अगर आपके एरिया में भी अगर कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम है जो कि एक तरीके से सामाजिक समस्या है तो दो आप उसका निदान भी कर सकते हैं और आप पैसे भी कमा सकते हैं अगर आपके पास माइंड है उसका, अगर उस समस्या का समाधान अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप यह एक तरीके से
यह तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया, आप जिस लाइन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस लाइन में देखिए कि मैं इसमें नया क्या कर सकता हूं। बस बात यही समझना है, बाकी कुछ समझना नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज के वीडियो आपने पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।